गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, SST सोशल स्टडी। इसमें तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन SST अवर सोसाइटी में, सोशल स्टडी में तीन पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तो हम इसमें जो पहला पार्ट है हिस्ट्री, उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज। मैं आपको पैराग्राफ रीडिंग करवा रहा हूँ, आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए और ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना और सीखना, और रफ कॉपी भी रखना। कोई मीनिंग अगर समझ में नहीं आए तो आप उसमें लिख के रखना और मुझसे पूछ लेना। हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है अपना मेडीवल इंडिया। मेडीवल इंडिया, मेडीवल मीन्स होता है माध्यमिक, मध्यकालीन मतलब बीच का जो युग होता है उसको बोलते हैं मध्यकालीन युग, पीरियड। तो हम पढ़ेंगे मेडीवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ताकि हमें पता रहे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पीरियड्स मतलब होता है युग, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, इतिहास का युग देखेंगे हम। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास के कौन कौन से युग हुए हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं हुई है, क्या आविष्कार हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कैसे उस समय लोग रहते थे, कैसे शासन करते थे, उस वक्त के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड, सोर्सेस ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के स्रोत क्या क्या रहे, इस युग के स्रोत क्या क्या थे, कमाने के, खाने के, बहुत सारे स्रोत होते हैं हर चीज के, काम के, साधन के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन मेनी नेम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के कई नाम्स, मेनी नेम्स, मेनी मतलब कई, भारत के कितने नाम थे, कैसे हुए, किसने रखे, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओल्ड मीन्स पुराने और न्यू मतलब नए, रिलीजन्स मतलब धर्म, पुराने और नए धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 5, मेडिवल इंडिया, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का युग। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूं, रफ कॉपी लेकर बैठना। द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू 3 पीरियड्स। द स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मीन्स होता है भारतीय इतिहास के बारे में, इज ब्रॉडली कैटेगरीज, ब्रॉडली मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, कैटेगरीज इनटू 3 पीरियड्स, बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, एनिशियंट, प्राचीन, मेडिवल, मध्यकालीन एंड मॉडर्न, आधुनिक। इन तीनों युग में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। इक्वेशन बनता है कि हाउ मेनी पीरियड्स डिवाइड इंडियन हिस्ट्री, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो आपको बताना है कि 3 types ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डिवाइडेड इन 3 types इन इंडियन हिस्ट्री, एनिशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। द पीरियड फ्रॉम द 8th टू द 18th सेंचुरी इज नोन एज द मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। द पीरियड फ्रॉम मतलब 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, युग है, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो युग था उसे इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड कहते हैं, मध्यकालीन युग कहते हैं। इट डिफर फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री इन वेरियस वेज, इन डिफर, डिफर मीन्स भिन्न, फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, यह प्राचीन हिस्ट्री से अलग है,
जो प्राचीन युग है उससे अलग है इन वेरियस वेज, बहुत सारे कारणों से, एंड इज फर्दर, इसके आगे जो है क्लासिफाइड इन टू द अर्ली मेडिवल पीरियड, और इसके आगे जो वर्गीकृत किया गया है अर्ली मेडिवल पीरियड, मतलब कि पूर्व मध्यकालीन युग जो था 8वीं शताब्दी से लगाकर 13वीं शताब्दी तक, एंड द लेट भूतपूर्व मेडिवल पीरियड, भूतपूर्व मध्यकालीन युग जो था वो था 13वीं शताब्दी से लगाकर, तो 18वीं शताब्दी का जो युग था उसे भूतपूर्व मध्यकालीन युग कहते हैं। द मेडिवल पीरियड विटनेस्ड ट्रिमेंडस चेंज, द मेडिवल पीरियड मध्यकालीन युग जो है उसमें विटनेस्ड, विटनेस्ड मीन्स देखा, विटनेस्ड मीन्स देखा, ट्रिमेंडस मीन्स होता है भयंकर, बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव। द मेडिवल पीरियड विटनेस्ड ट्रिमेंडस चेंज, मध्यकालीन युग में बहुत चेंज देखने को मिला। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है उसको रीड करेंगे, और वो है मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेजर मीन्स होता है मुख्य, चेंज मीन्स बदलाव, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मेडिवल पीरियड मध्यकालीन युग के दौरान कुछ मुख्य जो चेंज हुए, बदलाव हुए, उसके बारे में हम अब रीड करेंगे, तो आप अच्छे से समझना। The economy of the subcontinent improved as trade flourished. Economy मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक 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 economy से संबंधित कोई भी चीज आती है, मतलब पैसा, economic, आर्थिक मतलब पैसा। The economy of the subcontinent improved. Economy, subcontinent, उपमहाद्वीप, subcontinent means होता है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप की आर्थिक स्थिति इंप्रूव हुई, मतलब चेंज हुई, उसमें बदलाव हुआ, उसमें सुधार हुआ, एस ट्रेंड फ्लरिश्ड, जिसमें व्यापार में सफलताएं मिली, उसके कारण उसमें सुधार हुआ। दी सोसाइटीज वर ट्रांसफॉर्मेड, सोसाइटियों का निर्माण हुआ, सोसाइटियां जो है, समाज जो है वो परिवर्तित हुआ, एंड न्यू किंगडम्स केम इनटू बीइंग, और बहुत सारे नए राज्यों का उदय हुआ, बहुत सारे नए राज्यों का निर्माण हुआ। क्लियर। रिलीजन्स कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन, रिलीजन्स मीन्स होता है धार्मिक, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है युद्ध, संघर्ष। रिलीजन्स कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स मूवमेंट। रिलीजियस, धार्मिक जो संघर्ष थे उन्होंने डेवलप किया, विकास किया ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, जिसे हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं, धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ। सच इज द भक्ति, जैसे कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट एंड दी सूफी मूवमेंट्स, भक्ति विद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन उनमें से कुछ प्रमुख थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मुख्य रूप से दिस पीरियड सा द अराइवल ऑफ मेनी ट्रेडर्स, इस पीरियड के दौरान बहुत सारे यात्रियों को देखना मिला, व्यापारियों को देखना मिला, एंड इन्वेंडर्स, बहुत सारे आक्रमणकारी भी आए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने से, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट, वो अपने आप को स्थापित करने के लिए आए ऑफ द दिल्ली, दिल्ली सल्तनत तक, एंड द ग्रैंड मुगल एम्पायर। ग्रैंड मुगल एम्पायर मतलब कि मुगल शासक के राज। न्यू किंगडम्स इमर्जन, अब इसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, न्यू किंगडम्स इमर्जन। न्यू किंगडम्स मीन्स होता है नए राज्यों का उभरना, इमर्जन मतलब उभरना, उदय होना। नए राज्य कौन कौन से बने थे इस पीरियड में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं न्यू किंगडम्स इमर्जन। न्यू मीन्स नया, किंगडम्स मीन्स राज, इमर्जन मीन्स होता है उदय होना, उसका उभरना, मतलब नए राज्यों का उदय हुआ, कौन कौन से नए राज्य उभरे, इसके बारे में हम इस थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय युग में, इतिहास में, डज नॉट रेफर टू द नॉर्थ, केवल उत्तर की ही बात नहीं करते हम, सिर्फ उत्तर का ही उल्लेख नहीं करते, एंड सेंट्रल इंडिया अलोन, और ना ही हम सेंट्रल मतलब केंद्र को अलोन छोड़ते हैं, अकेला छोड़ते हैं। मेनी रीजनल किंगडम्स फ्लरिश्ड, बहुत सारे क्षेत्रीय, रीजनल मीन्स होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय राज्य, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड मीन्स होता है सफल हुए, इन द लैंड बियॉन्ड,
जमीन से ऊपर उठकर द विंध्य माउंटेन्स विंध्य माउंटेन विंध्य पर्वत पर सच इज द पलास पलास राज्य ओपन हुआ इन बंगाल में कहाँ पर पलास राज्य कहाँ बना बंगाल में एंड दी चोलास इन मॉडर्न तमिलनाडु चोलास राज्य जो है उसका तमिलनाडु में आगमन हुआ वहां निर्माण हुआ एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड और फाइनली इस युग का अंत हो गया द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सीज्ड द रूल ऑफ द लैंड उसने इन राज्यों पर शासन करने वालों को सीज कर दिया बैन कर दिया जब्त कर लिया इन राज्यों को फ्रॉम द लेटर मुगल किंग्स जो वहां के राजा थे उनसे ले लिया उन्होंने इन 1757 में इन ए डिफिनेटिव बैटल एक अंतिम युद्ध हुआ डिफिनेटिव मीन्स होता है अंतिम बैटल मीन्स होता है युद्ध इन प्लासी इन बंगाल में हुआ था प्लासी का युद्ध द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया डिफिटेड द नवाब ऑफ बंगाल का जो नवाब था उसको हराया एंड ऑफिशियली ब्रॉट द कॉलोनियन एज इन इंडिया और ऑफिशियल मतलब आधिकारिक रूप पर कॉलोनियन उपनिवेशवाद का इंडिया में उत्पन्न कर दिया उसको मेनी नेम्स ऑफ इंडिया अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे मेनी नेम्स ऑफ इंडिया कि इंडिया में इंडिया के भारत के कितने नाम थे कैसे नाम हुए किसने रखे एंड देन ये लास्ट पैराग्राफ होगा आज का हमारा क्लियर तो अब हम पढ़ते हैं मेनी नेम्स ऑफ इंडिया भारत के कई नाम टुडे आज अवर कंट्री इज नोन बाय मेनी नेम्स हमारी जो कंट्री है हमारा जो देश है वो कई नामों से जाना जाता है सच इज भारत जैसे कि भारत इंडिया भी कहते हैं भारत भी कहते हैं हिंदुस्तान आल्सो हिंदुस्तान भी कहते हैं बट डिड वी ऑलवेज कॉल अवर कंट्री बाय द नेम इंडिया बट फिर भी परंतु ऑलवेज कॉल हम हमारी देश को हमेशा पुकारते हैं इंडिया के नाम से किस नाम से पुकारते हैं इंडिया के नाम से नो इन द अर्लियर टाइम्स पूर्व समय में तो टुडे अवर कंट्री इज नोन बाय मेनी नेम्स हमारा जो भारत देश है वो कई नामों से जाना जाता है सच एज भारत जैसे कि भारत इंडिया एंड हिंदुस्तान भारत इंडिया एंड हिंदुस्तान बट डिड वी ऑलवेज कॉल अवर कंट्री बाय द नेम इंडिया मगर परंतु हम हमारे देश को हमेशा पुकारते हैं इंडिया के नाम से नो इन द अर्लियर टाइम्स पूर्व समय में इट वॉज नोन एज भारत उसे हम भारत कहते थे आज भारतवर्ष भी कहते थे आज जम्बूद्वीप भी कहते थे दैट इज द आइलैंड ऑफ द जम्बू ट्री जिसे हम कहते हैं कि आइलैंड ऑफ द जम्बू ट्री द हिंदी वर्ड द्वीप मीन्स एन आइलैंड हिंदी वर्ड जो होता है हिंदी शब्दार्थ जो होता है द्वीप का हिंदी शब्दार्थ होता है आइलैंड मीन्स द्वीप दी अर्ली संस्कृत एंड वैदिक टेक्स्ट्स रेफर्ड टू इज आर्यावर्त अर्ली संस्कृत पूर्व समय में संस्कृत में और वैदिक में रेफर्ड इसे पुकारते थे कहते थे आर्यवर्त भी कहा जाता था भारत को दैट इज द लैंड ऑफ द आर्यंस जिसे हम कहते हैं आर्यंस की भूमि तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा नेक्स्ट के लिए मैं आपसे कंटिन्यू बना रहूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और डेली मैं आपको जो वर्क दूंगा वो भी आप मुझे ग्रुप में मैसेज नहीं करना है आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना है और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है SST में उसके लिए आप मुझे 10 से 12 में कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ ज़रूर करूँगा तो आगे भी आप मेरे साथ बने रहें मैं आपको नया रोज पैराग्राफ सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हार्ड मीनिंग्स करेंगे वर्ड्स करेंगे बहुत सारी नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी तो आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू